वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं स्कूल, और उससे पहले छोटी बहन की कुछ चीज़ लेनी है। तो हम तैयार भी हो गए हैं, ये भाई भी हो गए हैं, वो भी हो गए हैं। गेट नहीं, मैं क्यों बंद करूँ भैया, अभी इसकी चीज़ें लेनी जानी है। तू वो गंदी चिप्स ले आ रहा था, पहले इसका गला ख़राब है। हम जा रहे हैं स्कूल, और छोटी बहन की चीज़ नहीं लानी, वो स्कूल से ले लेगी अपनी चीज़ छोटे भाई के साथ। तो अब हम जा रहे हैं स्कूल, स्कूल पढ़ने के बाद आपसे मिलूँगा। स्कूल से आ गया, टाइम हो रहा है 1:42, और व्लॉगर भी आ गए हैं। ना फिर मेरे को छोड़ो ना, हाय खोट नहीं हाय, ये तो नहीं आया करेगा, बहुत शोभा। तो अभी फ्रिज के अंदर कुछ ढूंढते हैं, है कुछ नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, इधर दो भाई। तो फिर स्कूल से तो मैं आ गया हूँ, और अब थका टूटा हुआ, अभी फ्रेश होना, खाना खाना, उसके बाद ट्यूशन। मोटे कपड़े, ट्यूशन आज नहीं जाना, हम नहीं जाना। मोबाइल इधर दे। अभी भी सही है, अभी वहाँ बैठी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, बहुत प्यारी है तू, बहुत प्यारी है। अब तो फटाफट से करते हैं भैया, नहीं खाते हैं, खाते हैं नाश्ता करते हैं एक हिसाब से, और 2 बज गए हैं, ट्यूशन का कोई प्लान नहीं है। ट्यूशन का इतना प्लान भी नहीं है, अभी दोनों मेरा मोबाइल लेकर बैठे और मेरे बाबा का, तो देखते हैं। फ्रेंड्स, अब पेट पूजा कर लिया है, और अब मैं अपनी मम्मा के साथ करने लगा हूँ, वो कोई रेसिपी ट्राई करने लगा हूँ, तो चिली चीज़ ऐसे कुछ नाम है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं। 1 चम्मच नमक डालना है, अब मिक्स करना है, नहीं, और अंडा, अब अंडा डाल रहा है, और इसके बाद चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चिकन को ग्रीक ऐसे काटना है, उसके बाद नमक, अंडा, और वो डालना है, क्या कहते हैं, काली मिर्च, और उसके बाद टूटी मिर्च, और ये क्या है, सोया सॉस। अभी भी सही है, अभी वहाँ बैठी हुई थी, मोबाइल देख रही थी, बहुत प्यारी है तो, बहुत प्यारी। अब तो फटाफट से करते हैं भैया, नहीं खाते हैं, खाते हैं नाश्ता करते हैं एक हिसाब से, और 2 बज गए हैं, ट्यूशन का कोई प्लान नहीं है। मत कॉर्नफ्लोर डालने हैं, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। मैं शेफ हूँ, आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा। एक मिनट चलो। तो अब इसमें डालने हमने तिल, और अब मिक्स करेंगे चम्मच से ही, कर लें बेहतर है। तो अब ये तो रेडी हो गया हमारा, थोड़ा बहुत अब कुछ चीज़ें और डाल ली हैं इसमें। तो अब आपने काटने हैं ये प्याज और शिमला मिर्च अच्छी तरह से, और ये मिर्च, सब्ज़ मिर्च डाल ली है आपने, सब्ज़ मिर्च ऐसे ही ना डाल देना, कट भी करनी है भाई। तो अब हम डालेंगे इसमें ठंडा ठंडा बर्फी बर्फी लहसुन, हाय हाय मैं क्यों कह रहा हूँ, डालें हैं तो ये भी नहीं डालना, थोड़ी देर बाद डालेंगे। तो अब आपको बनानी है इसके लिए एक सॉस, उसकी भी रेसिपी आपके शायद अभी शेयर करने लगे हैं, मैं शेयर शेयर शेयर
आपने सबसे पहले एक कप पानी लेना है, उसमें डालना है सोया सॉस। उसके बाद आपने डालना है मेरा ख्याल है चिली सॉस वगैरह कुछ डालना है। और उससे पहले आपने डालनी है एक चम्मच चीनी, दो चम्मच डालना है आपकी मर्जी, लेकिन दस से ज़्यादा नहीं डाल देना इसे, या ज़हर हो जाए। और आपको डालना है नमक, एक चम्मच नमक डालने, और उसके बाद आपने डालनी है चिली सॉस, आपको जितनी बेहतर लगती है आप डालना, लेकिन डालने ज़रूर है। फिर आपने डालना है, अच्छी तरह इसको मिक्स करना है आपने। और उससे पहले ना आपने ये काली मिर्च ग्राइंड भी कर लेनी है। मैंने अभी इसको खोला तो एकदम से नार पे चढ़ी, और आपने फ्राई पैन ये पता नहीं क्या जो भी हो, और फिर आपने डालने हैं ऑयल, इतना सा ऑयल डालना थोड़ा ज़्यादा। छोटा सा इस तरह का फ्राई पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने वही जो आपने वो बनाई थी ना सॉस वो डाल देनी है। और फिर जो ये गर्म हो गया ना तो आपने वो चिकन डाल देना है इसके अंदर अच्छी तरह, फिर इसके अंदर मिक्स करना। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, जिस मर्जी से पहले और ये गर्म हो जाए तो तब करना है। लग जाती है ये सॉस बन गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो अब हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर, एक कप आपने पानी लेना, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देना है। देखिए तो इस तरह जब आपके सॉस बन जाए तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें। तो ये देखिए अब चिकन ब्राउन हो गया, ऐसे ही आपने पकाने हैं। आपने आप ऑयल डालना, थोड़ा सा लहसुन डालना, तो लहसुन डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और जैसे ही लहसुन ब्राउन हो गया, जो आपने सब्जियाँ पकाई थी ना वो डाल दें इसके अंदर, चिंते भरी पा रही हैं। आपने इसको इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का लाइट सा फ्राई कर लेना है आपने इसको, और अच्छी तरह करना है मिक्स। तो अब आपने ये जो चिकन पकाएगा आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। ये बहुत आसान रेसिपी है, और आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। और अब आपने ये जो सॉस होगी इसके अंदर डाल देनी है, और फिर से आपने इसको वो करना है मिक्स अच्छी तरह करना है, लेकिन ध्यान से, छींटे भी बहुत पड़ेंगी। और आपने थोड़ी सी मिर्च वाली केचप डाल देनी है, तो मिक्स करना है। और आपने एक डिश ले लेनी है अच्छी सी, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये पक रहा है, बस पकने में बनने लगा बस थोड़ी देर। लेकिन फिर भी आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिश तैयार हो गया, लेकिन आपने ना इससे पहले थोड़ा सा अदरक ले लेना है, और देख लें आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है ये डिश। उसके बाद हम डालेंगे सॉस।
तो फाइनली हमारी डिश तैयार हो गई है, तो अब फटाफट से इसको खाते हैं, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट इसका। ट्राई करने की बारी आई है, ट्राई करते हैं। मसाला वगैरह भी सही है, सब कुछ सही है और मज़े का भी बहुत है, मज़ेदार। बोलो अब हम ट्यूशन जा रहे हैं और आपको मिलते हैं आके। तो फ्रेंड्स, मम्मा पापा अब जा रहे हैं वो शॉपिंग करने, तो देखते हैं हम क्या जाते हैं। मम्मा पापा और छोटा बेबी साथ जा रहे हैं, देखते हैं अब। फिर कोई चीज़ टूट गई, मैं बस थोड़ी देर सो गया था और मैं उठा तो मैंने देखा मम्मा बना रही है फ्रूट चाट, तो अब आपको दिखाते हैं। अभी तक मम्मा ने डाले हैं सेब, केले और ये क्या है, अंगूर डाला है। और अभी नाम भी नहीं पता, आरू आरू और
खाने में पकाया रायता और कद्दू और गोश्त और गर्मा गर्म रोटियाँ, फटाफट से खाते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्रूट सैलड वगैरह मैंने खा लिया और तो फ्रेंड्स अब टाइम हो रहा है 10 बजे। तो उम्मीद करता हूँ आप भी अब लोग पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और अपना बहुत ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।